महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर अभी अभी स्पेशल कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आप सबको पता ही होगा नवाब मलिक पिछले कुछ टाइम से लगातार जुडिशियल कस्टडी में बंद हैं। इनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में इन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर स्पेशल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और बोला था कि इनको जमानत दे दिया जाए क्योंकि इनको अपनी किडनी की सर्जरी करानी है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। और कुछ दिनों पहले इनको इमरजेंसी में जे हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया था। लेकिन अब इस पर जो है कोर्ट के द्वारा आज फाइनल डिसीजन लिया गया है। कोर्ट ने नवाब मलिक को थोड़ी सी राहत देते हुए 9 से 11 तीन दिन के लिए मेडिकल चेकअप के लिए भेजा है, वो भी जे हॉस्पिटल में। जैसा कि अपडेट आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि नवाब मलिक को तीन दिन के लिए स्पेशल कोर्ट के जज के द्वारा बोला गया है कि ये तीन दिन के लिए जे हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, वहां पर अपना पूरा का पूरा मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। साथ में ही कोर्ट के जज के द्वारा ये भी बोला गया है कि यहां पर जिस टाइम नवाब मलिक का मेडिकल टेस्ट होगा उस टाइम उनका एक फैमिली डॉक्टर भी वहां पर उपस्थित रह सकता है, लेकिन ये जो फैमिली डॉक्टर वहां पर उपस्थित रहेगा वो नवाब मलिक ही उसका खर्चा उठाएंगे। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।